हाई स्टूडेंट्स वेलकम टू द चैनल टूरिंग दिस वीडियो वी आर गोइंग टू कवर सम डिसडवाटेजिज ऑफ यूजिंग लैंड नेटवर्क एज वी हैव डिस्कसड इन द प्रीवियस वीडियो दैट इज एडवाटेजिज ऑफ लैन वी हैव डिस्कस दैट लैन इज वेरी कॉस्ट इफेक्टिव सिस्टम राइट लैंड की जो कॉस्ट है वो बहुत ही कम होती है क्योंकि यहाँ पे हम लोग बहुत कम सिस्टम्स को यूज़ करते हैं बट द इनिशियल कॉस्ट ऑफ इंस्टॉलिंग लैन इज क्वाइट हाई राइट इट्स इनिशियल कॉस्ट is high. जब भी हम लोग लैंड सेटअप करते हैं तो उसके सेटअप के टाइम पे जो कुछ भी कॉस्ट होती है वो काफ़ी हाई होती है जैसे कि हमें पता है लैंड नेटवर्क में कंप्यूटर्स कुछ इस तरह से कनेक्टेड हो सकते हैं अगर हम लोग बस टॉपोलॉजी यूज कर रहे हैं ओके okay? यहाँ पे इट्स वेरी इजी टू शेयर डेटा बिटवीन द डिवाइसेज दिस इज द सर्वर ओके इट्स वेरी इजी टू शेयर डेटा बिटवीन द डिवाइस एंड वी कैन शेयर एनी टाइप ऑफ रिसोर्सेज वी कैन एक्सेस एनी थिंग फ्राम एनी अदर सिस्टम राइट बट इसकी जो इनिशियल कॉस्ट है ये बहुत ही ज्यादा हाई होती है दिस इज द मेजर डिसएडवांटेज सेकेंड डिसएडवांटेज इज द लैंड एडमिन कैन चेक पर्सनल डेटा फाइल्स लैन एडमिन कैन चेक पर्सनल डेटा फाइल्स ऑफ एवरी ऑफ एवरी लैंड यूजर्स ओके दिस इज़ द मेजर डिसएडवाटेज सो इट डज़ नॉट ऑफर अ गुड प्राइवेसी हेयर नो प्राइवेसी इज देअर ओके क्योंकि यहाँ पे क्या होता है जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो में भी आप लोगों को बताया कि अगर सपोज हमारा ये वाला सिस्टम खराब हो जाता है तो वी कैन एक्सेस ऑल द डेटा फ्रॉम दिस सर्वर सिस्टम राइट सो so, यहाँ पे क्या होता है ये सर्वर सिस्टम होता है और हम इसे एडमिन सिस्टम भी बोल सकते हैं ओके सो ये जो एडमिन सिस्टम होता है इस सिस्टम की हेल्प से हम लोग यहाँ में से जो नेटवर्क में कनेक्टेड सिस्टम है किसी को भी एक्सेस कर सकते हैं सो so, एडमिन जो है वो किसी की भी पर्सनल डेटा किसी का भी पर्सनल फाइल को चेक कर सकता है सो देर इज़ नो प्राइवेसी इन इन यूजिंग लैंड नेटवर्क ओके यहाँ पे मान लीजिए मेरा कुछ पर्सनल सिस्टम है ये यहाँ पे कुछ पर्सनल डेटा मैंने रखा हुआ है जो कि मैं किसी के साथ भी शेयर नहीं करना चाहती हूँ बट यहाँ पे जो है सर्वर सिस्टम में इजीली मैं इस आईडी पासवर्ड के थ्रू इस वाले सिस्टम को एक्सेस कर सकती हूँ ओके सो यही है यहाँ पे कि लैन एडमिन जो है दे कैन चेक पर्सनल फाइल्स ऑफ एवरी लैन यूज़र थर्ड डिसएडवाटेज इज़ अनऑथराइज यूज़र कैन एक्सेस Unauthorized users can access critical data, critical data of an organization of any. ऑर्गेनाइजेशन इन केस लैंड एडमिन इज़ नॉट एबल टू सिक्योर द सेंट्रलाइज डेटा रिपोजिटरी, ओके अगर जो हमारा लैंड एडमिन है उन्होंने ये वाले सर्वर को सिक्योर नहीं किया हुआ है सर्वर सिस्टम की सिक्योरिटी पे फोकस नहीं किया हुआ है तो एनी वन कैन ईजीली एक्सेस दे डेटा ओके सपोज सर्वर सिस्टम पर एडमिन आज काम नहीं कर रहा है एंड मैं एक एंड यूज़र हूँ मैं इस सिस्टम पर जाके लॉग इन का ट्राई कर सकती हूँ एंड हो सकता है कि यूं ही ट्राई करते हुए इजीली मैं एक्सेस कर लूँ इस वाले सिस्टम को एंड यहाँ पे जिस भी यूज़र का डेटा होगा उसको मैं क्रैक कर सकती हूँ उसी डेटा को मैं इस सिस्टम पे रन कर सकती हूँ ओके सो यहाँ पे यही कहा गया है कि अनऑथराइज यूज़र्स कैन एक्सेस क्रिटिकल डेटा ऑफ एनी ऑर्गेनाइजेशन और एनी अदर एंड यूज़र ओके next disadvantage of using lan is local area network requires a constant lan administration they require constant lan administration administration as there are as there are some issues related to related to software setup and Hardware failure ओके सो यहाँ पे ये है कि लैंड एडमिनिस्ट्रेशन एडमिनिस्ट्रेटर इज़ नीडेड एवरी टाइम लैंड नेटवर्क अगर हम लोग सेटअप करते हैं तो हमेशा हमें एक एक्सपर्ट चाहिए रहेगा जो कि लैंड जो है लैंड से कनेक्टेड सर्वर को हैंडल कर सके क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे सिस्टम्स कनेक्टेड हैं एंड ऑल द सिस्टम्स डेटा इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एवरी एंड यूजर राइट सो यहाँ पे बार बार क्या हो सकता है कुछ भी सॉफ्टवेयर सेटअप से रिलेटेड प्रॉब्लम्स आ सकती हैं या फिर हार्डवेयर फेलियर हो सकता है वैसे भी अगर हम लोग नेटवर्क सिस्टम्स का यूज करते हैं तो बार बार हार्डवेयर फेलियर के चांसेस बढ़ जाते हैं सो वी ऑलवेज नीड अ लैन एडमिनिस्ट्रेटर ओके नेक्स्ट डिसएडवांटेज इज सर्वर फेलियर As we all know, everything in the case of LAN network, every system is dependent on the server system only, okay? सपोज अगर ये सिस्टम ख़राब हो जाता है सो वी कैन एक्सेस ऑल द डेटा फ्राम दिस सर्वर सिस्टम ओके बट इनकेस अगर सर्वर सिस्टम में ही कोई फॉल्ट आ जाता है चाहे सॉफ्टवेयर या हार्डवेयर फॉल्ट कुछ भी हो सकता है सो इट्स वेरी डिफ़िकल्ट टू बैकअप द डेटा अगर हमारे सर्वर में जो हम लोग हार्ड डिस्क या कुछ भी स्टोरेज के लिए यूज़ कर रहे हैं अगर वो ही करप्ट हो जाता है तो वी कैन लॉस्ट एवरी सिस्टम्स डेटा राइट अगर यहाँ आपका मेन सिस्टम मेन जो स्टोरेज पार्ट है वही खराब हो जाता है तो कोई भी सिस्टम काम नहीं कर पाएगा एंड इट्स वेरी डिफिकल्ट टू बैकअप द डेटा इफ़ यू लॉस द सर्वर सिस्टम ओके सो दिस इज़ द डिसडवाटेज ऑफ यूजिंग लैंड नेटवर्क सो दिस इज ऑल अबाउट टू डेज वीडियो थैंक यू